नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि हार्मोन की परिभाषा क्या होती है, इसका क्या कार्य है, और इसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। तो एक हार्मोन एक अंतःस्रावी रस होता है, जिसको हम ग्रंथि रस भी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में या विज्ञान की भाषा में इसको हार्मोन कहते हैं। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है और यह कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में अलग अलग जगह से उत्पन्न होता है, जो कि ये सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। सजीवों में माने चलते फिरते प्राणी या फिर वृक्ष, पेड़ पौधे आदि, इनमें सब में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है कि सजीवों में अलग अलग होने वाली क्रियाएं, जैसे कि मनुष्य का बढ़ना, मनुष्य का मोटा पतला होना, मनुष्य का प्रसन्न होना, मनुष्य का रोना, गुस्सा आना और एक शांत हो जाना, उदास हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्मोन पर ही निर्भर करती हैं। और बच्चे का जन्म, हर भावनाएं हैं, इन सबके हार्मोन अलग अलग होते हैं और अलग अलग हार्मोन ये होते हैं। तो इनका काम होता है कि जो काम उनका, जैसे डोपामाइन है, डोपामाइन जब तेज सक्रिय होता है तो बहुत आदमी प्रसन्न होता है। मौन रहने वाला व्यक्ति भी शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा वो प्रेम का को उत्पन्न करता है, प्रेम का वो प्रदर्शन करता है, दिखाता है कि बहुत प्रेम है। इसका कारण ये है कि एल्कोहल के कारण उसका डोपामाइन हार्मोन बहुत तेज हो जाता है। तो ये सब हार्मोन के काम होते हैं। तो ये इन सभी नियम को बनाता है और उसे नियंत्रित करता है, ये है। और ये कोशिकाओं और ग्रंथियों से स्रावित होता है, ये कोशिकाओं से निकलता है और ग्रंथियों से स्रावित होता है। और इसमें एक बड़ी विशेष बात होती है, हार्मोन अपने उत्पत्ति स्थान, मान लो किसी ग्लैंड से निकला, कहीं से निकला, वो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह काम करता है। ये और आश्चर्य की बात है। दूसरी बात हार्मोन एक क्षणिक रस होता है। क्षणिक रस माने डोपामाइन है, एकदम वो आपका सक्रिय हुआ, किसी ने कोई जोक कहा, जोक कहने के बाद आपने सुना और सुनने के बाद तुरंत डोपामाइन स्रावित हुआ। स्रावित होने के बाद उससे आपको हंसी आई, प्रसन्न हुए, आपके मन को खुशी मिली, इसके बाद तुरंत ख़त्म हो गया, आपको खुशी दे गया, इसके बाद ख़त्म। ये क्षणिक होते हैं, कुछ ही क्षण के लिए होते हैं। जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति हो, गुस्से में हुआ व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसको, उससे बात मत करो, धीरे धीरे उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों? गुस्से का जो हार्मोन है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो शांत हो जाता है। तो यही होता है। और ये अपने उत्पत्ति स्थान से निकल करके दूर जा करके ऊतक कोशिकाओं इनमें कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रसायन दूत भी कहा जाता है। और इसकी सूक्ष्म मात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, थोड़ा बहुत। अब जैसे कि डोपामाइन है, गावा है, आदि आदि जो हार्मोन है, कितने निकलते? बहुत थोड़े निकलते, इतने में ही अपना पूरा काम कर देते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और ये शरीर में अधिक समय तक रुक ही नहीं पाते हैं और ये थोड़ी देर में समाप्त हो जाते हैं। अतः कार्य समाप्ति के बाद, नष्ट होने के बाद, फिर जब दूसरी कोई भावनाएं आती हैं तो उसका अलग हार्मोन होता है। मान लीजिए आप एक उसमें गए कवि सम्मेलन में, एक कवि ने आकर के बढ़िया हास्य कविताएं सुनाई, सुनाने के बाद आपको हंसी आ गई, तब तक आया दूसरा, वो वीर रस की कविताएं सुना रहा, पूरा जोर लगा दिया, तो क्या होता है कि उस समय वो क्रोध का हार्मोन एक्टिव कर देता है, तो आपको भी क्रोध आ जाता है, ये होता है।
और एक मैंने अनुभव किया है कि जिसको वीर रस की कथा कविता करने वाला होगा वो ज़्यादातर सूखा पतला होगा, और जो हास्य कविता करेगा वो मोटा ताजा होगा, क्योंकि हंसेगा हंसाएगा, और हंसाने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम बढ़िया होता है और वो निरोगी होता है। और वो जब वीर रस की कविता करता है तो उसमें क्या है कि वीर रस की कविता में क्रोध भी आएगा, वो भी वहाँ खड़े खड़े कविता सुनाएगा, क्रोधी होगा, ये सब होगा, तो उससे उसका खून जलता रहता है, ये पक्का है। तो इसलिए ये बदलते रहते हैं, तो इसलिए ये कुछ समय के लिए सूक्ष्म मात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, और वो अपना काम करने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है, और इसके बाद उत्सर्जन द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, मलमूत्र आदि होता है, इससे ये बाहर निकल जाते हैं, और हार्मोन की कमी या अधिकता सजीवों को व्यवधान उत्पन्न करती है। अब कैसे, अब आवश्यकता से अधिक यदि हंसेगा तो भी दिक्कत है, आवश्यकता से अधिक यदि क्रोधी रहेगा तो भी दिक्कत है। तो ये सामान्य होना बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर जो अधिक हो गया तो वो जीवन में व्यवधान डालता है बहुत कुछ। परेशानी आती है। अब इसके बाद पेड़ों में भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि अलग अलग हार्मोन होते हैं, इनको पादप हार्मोन भी कहते हैं, और ये एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे सभी जगह पर फैल जाते हैं, और जिसमें कि शाखाएं, पत्ते बढ़ना आदि आदि ये सब लगा रहता है, फूल आना, फल आना, फल कच्चा फल है तो वहीं लटका रहना, कच्चा फल नीचे नहीं गिरता, ये भी हार्मोन का काम, पक जाता है तो वो छोड़ देता है, ये भी हार्मोन का काम होता है, और शाखा कट जाए तो दूसरी आ जाना, ये भी, और जो ये सब होता है तो ये भी हार्मोन का ही काम होता है। तो इसलिए ये सब हार्मोन के काम है, तो यही सब होते हार्मोन में, इसमें कुछ नाम है, सबके अलग अलग काम होते हैं। इंसुलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेटोन होता है, टेस्टोरेटोन होता है, तमाम सारे होते हैं, और यही जो मेलाटोनिन होता है, तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग हार्मोन होते हैं, इनके सबके काम होते हैं शरीर पर नियंत्रण करना, और शरीर के नियंत्रण से उसको अपने समय पर हर चीज को कार्य करने देना, ये सब होता है। जैसे फल पकता है, पहले नहीं पकेगा, समय पर पकेगा, क्योंकि हार्मोन उसको नियंत्रण करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सबके काम होते हैं, ये हार्मोन के काम हैं। एक कवि ने आकर के बढ़िया हास्य कविताएं सुनाई, सुनाने के बाद आपको हंसी आ गई, तब तक आया दूसरा, वो वीर रस की कविताएं सुना रहा, पूरा जोर लगा दिया, तो क्या होता है कि उस समय वो क्रोध का हार्मोन एक्टिव कर देता है, तो आपको भी क्रोध आ जाता है, ये होता है। और एक मैंने अनुभव किया है कि जिसको वीर रस की कविता करने वाला होगा वो ज़्यादातर सूखा पतला होगा, और जो हास्य कविता करेगा वो मोटा ताजा होगा, क्योंकि हंसेगा हंसाएगा, और हंसाने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम बढ़िया होता है और वो निरोगी होता है। और वो जब वीर रस की कविता करता है तो उसमें क्या है कि वीर रस की कविता में क्रोध भी आएगा, वो भी वहाँ खड़े खड़े कविता सुनाएगा, क्रोधी होगा, ये सब होगा, तो उससे उसका खून जलता रहता है, ये पक्का है। तो इसलिए ये बदलते रहते हैं, तो इसलिए कुछ समय के लिए सूक्ष्म मात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, और वो अपना काम करने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है, और इसके बाद उत्सर्जन द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, मलमूत्र आदि होता है, इससे ये बाहर निकल जाते हैं, और हार्मोन की कमी या अधिकता सजीवों को व्यवधान उत्पन्न करती है। अब कैसे,
अब आवश्यकता से अधिक यदि हंसेगा तो भी दिक्कत है, आवश्यकता से अधिक यदि क्रोधी रहेगा तो भी दिक्कत है। तो ये सामान्य होना बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर जो अधिक हो गया तो वो जीवन में व्यवधान डालता है बहुत कुछ। परेशानी आती है। अब इसके बाद पेड़ों में भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि अलग अलग हार्मोन होते हैं, इनको पादप हार्मोन भी कहते हैं, और ये एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे सभी जगह पर फैल जाते हैं, और जिसमें कि शाखाएं, पत्ते बढ़ना आदि आदि ये सब लगा रहता है। फूल आना, फल आना, फल कच्चा फल है तो वहीं लटका रहना, कच्चा फल नीचे नहीं गिरता, ये भी हार्मोन का काम। पक जाता है तो वो छोड़ देता है, ये भी हार्मोन का काम होता है। और शाखा कट जाए तो दूसरी आ जाना, ये भी, और जो ये सब होता है तो ये भी हार्मोन का ही काम होता है। तो इसलिए ये सब हार्मोन के काम है, तो यही सब होते हैं हार्मोन में। इसमें कुछ नाम है, सबके अलग अलग काम होते हैं। इंसुलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, तमाम सारे होते हैं। और यही जो मेलाटोनिन होता है, तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग हार्मोन होते हैं, इनके सबके काम होते हैं। शरीर पर नियंत्रण करना, और शरीर के नियंत्रण से उसको अपने समय पर हर चीज़ को कार्य करने देना, ये सब होता है। जैसे फल पकता है, पहले नहीं पकेगा, समय पर पकेगा, क्योंकि हार्मोन उसको नियंत्रण करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सबके काम होते हैं, ये हार्मोन के काम हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।